ग्वालियर में माधव अंधाश्रम विद्यालय में छात्रों ने आंदोलन किया। छात्रों ने शिक्षक पर अनुपस्थिति और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। इसी के साथ छात्रों ने विद्यालय परिसर में हंगामा भी किया। हमारी काफी समस्या है जिनको लेकर के आज हमने हड़ताल की गई है, और हमारी समस्याएं जो कि है, हमारे विद्यालय में टीचर नहीं है और न ही नाइट कर्मचारी नहीं है, जिससे हमारे छात्रों को किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो ना ही कोई ले जाने लाने के लिए है, और ना ही यहाँ का स्टाफ समस्याओं पर ध्यान देते हैं, और बुक्स भी हमारे लिए पढ़ने के लिए नहीं है। और आज इतने दिनों से अभी तक कोई भी क्लासें नहीं लगाई गई हैं, और स्कूल कितने दिनों से खुल चुके हैं। हमारे यहाँ पर एक से लेके 12वीं तक के बच्चे रहते हैं सर, और ये काफी समस्याएं हैं हमारी। गाइडेंस आप भी समय पर नहीं आते हैं, और जिससे हमारी काफी समस्याएं नहीं